Chapter number 1, knowing our numbers, we have seen exercise number 1 and 2. Now we will move towards exercise number 1.3. Before that, we still some explanation introduction. Right, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, थोड़ा introduction देखेंगे, क्या? Estimation. Estimation means, estimation of a number is a judgment of that number, which is very near to the exact number. इसका ये मतलब हुआ कि जो एग्जैक्ट नंबर होता है, जो हमारा आंसर होता है, उसके आसपास का, मतलब उसके अंदाज से वैसा ही एग्जैक्ट आंसर आ जाए, उसे हम कहते हैं एस्टिमेशन, हम अंदाज लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में हम कहेंगे नियर अबाउट 1100 पैसेंजर्स है, ठीक है. तो वो हम क्या कर रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि ट्रेन में इतने पैसेंजर हो सकते हैं, ठीक है. वो एग्जैक्ट 1100 होंगे नहीं, पर उसके आसपास के नंबर होंगे, ठीक है, उतने पैसेंजर्स होंगे. अप्रोक्सीमेट ऑफ अ नंबर इज दैट विच गिव्स अस फेयरली गुड आइडिया अबाउट दैट नंबर. वो हमें क्या, उसके आसपास का होगा. तो यहाँ पे मान लो कि मैं ऐसा कहूँगी कि 1100 नहीं है, पर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो 1098 है या 95 पैसेंजर्स है. तो वो हम कह सकते हैं कि इसके पास वाला एग्जैक्ट नहीं, पर उसके पास वाला अप्रोक्सीमेट नंबर है जो हमने एस्टिमेट किया है. वो एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अब हम वो कैसे करेंगे सम्स में. तो मान लो कि यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं 242. इसका हमें अब क्या करना है, एस्टिमेट करके क्या करना है, नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है. तो राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें देखना है नियरेस्ट टेंस में करना है. तो यहाँ पे हमारा ये नंबर है 242. टेंस में जाना है तो हम कौन सा नंबर देखेंगे, यूनिट, मतलब वंस प्लेस का. तो क्या हो जाएगा, 242. ये नंबर किन दो नंबर के बीच में आएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 240 250, इन दो नंबर्स के बीच ही आएगा. 242 is included between 240 and 250, which 242 is nearest to 240. यहाँ पे आप देख सकते हो ये 242 है, वो 240 के नज़दीक है. यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 242 किसके पास है, ये नंबर इज 240 के नज़दीक है. तो यहाँ पे हमारा राउंडिंग ऑफ अगर हम करेंगे, 242 को राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा वहाँ पे, 240. हमें यहाँ पे टेंस प्लेस को, टेंस को राउंड ऑफ करने के लिए हमें यूनिट प्लेस को, अगर ये नंबर हमारा, ये जो यहाँ पे यूनिट वाला है वो हमारा 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रीवियस टेंस है उसको हम क्या करेंगे, प्रीवियस टेंस को ले लेंगे, ठीक है. अगर यहाँ पे हमारा 245 या 40, मान लो कि 246 होता, तो ये नंबर हमारा किसके करीब हो जाता है, 250 के नज़दीक हो जाता, तो हम इसको क्या करते हैं, ये प्रीवियस टेंस नहीं लेते, पर क्या करते हैं, इसका आफ्टरवर्ड्स वाला ले देते. तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ हो जाता 250. हमें यहाँ पे क्या देखना है, टेंस में हमें यूनिट प्लेस देखना है. अगर 5 से छोटा है तो हमें प्रीवियस वाला टेंस लेना है, अगर 5 से बड़ा है तो हमें उसको आगे वाला नंबर ले लेना है. नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ. इसमें भी हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 देखना है. तो यही एग्जांपल हम मान लेते हैं 242. अगेन हम वही एग्जांपल लेते हैं, वी विल टेक द सेम एग्जांपल अगेन. हियर वी सी, व्हाट वी विल सी, 242. हमने वहाँ पे यूनिट प्लेस देखा था, अब यहाँ पे हम देखेंगे, वी विल सी द टेंस प्लेस. व्हाट विच इज नंबर द गिवन, इट इज 4. 4 हमारा 5 से नज़दीक है, तो हम उसके प्रीवियस वाला, पहले क्या देखते थे, टेंस देखते थे, अब हम प्रीवियस वाला 100 देखेंगे. तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ हमारा 200, ठीक है, क्योंकि ये 200 और 300, क्योंकि यहाँ पे हम 100 का कर रहे हैं, तो 200 और 300 के बीच वाला नंबर है. और हमें यहाँ पे 100 में हम टेंस का प्लेस देखेंगे, अगर 5 से छोटा है तो हम प्रीवियस 100 में जाएंगे, अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो हम इसको आफ्टर जो नेक्स्ट 100 आता है उसमें जाते हैं, ठीक है. इस तरह से हम एस्टिमेटिंग ऑफ नंबर टू नियरेस्ट 100 बाई राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं. Estimating to the nearest thousands by rounding off. अभी तक हमने क्या देखा, टेंस का देखा, 100 का देखा, अब हम क्या देखेंगे, 1000 का राउंडिंग ऑफ हम कैसे करेंगे. तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 7485. हमने टेंस के लिए देखा यूनिट प्लेस, 100 के लिए देखा हमने
टेंस प्लेस। अब थाउजेंड के लिए हम कौन सा प्लेस देखेंगे, हंड्रेड प्लेस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 700 485, ये कौन से थाउजेंड्स के, कौन से दो थाउजेंड के बीच वाला नंबर है, तो हमको पता चल जाएगा ये वाला नंबर हमारा 7000 और 8000 के बीच वाला नंबर है। दिस इज द नंबर इज बिटवीन 7000 एंड 8000, राइट। नाउ यू हैव टू सी द हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड प्लेस, इफ हंड्रेड प्लेस इज लेस फाइव, लेस देन फाइव, हंड्रेड प्लेस हमारा क्या होगा अगर लेस देन फाइव हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। इफ द हंड्रेड प्लेस, यहाँ पे हंड्रेड प्लेस है, इफ इट इज ग्रेटर देन फाइव सो ओवर आंसर विल बी 8000। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीवियस थाउजेंड को हमें रिप्रेजेंट करना है अगर हमारा फाइव से छोटा नंबर हुआ तो। अगर हमारा फाइव से बड़ा नंबर हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट थाउजेंड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट थाउजेंड क्या आएगा, सेवन के बाद 8000। नेक्स्ट पॉइंट, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, द एस्टिमेटेड सम और डिफरेंस शुड बी रीजनेबल टू द रिस्पेक्टेड नंबर, राइट। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम सम और डिफरेंस में क्या करेंगे, प्लस माइनस में अगर हम एस्टिमेशन का उपयोग करेंगे तो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर के अप्रोक्सीमेट, मतलब उसके आंसर के आसपास आना चाहिए, ऐसा नहीं हो तो वो कैसे होगा वो आप देखो। फॉर एग्जाम्पल 3650 माइनस 320। अब यहाँ पे इफ वी राउंडिंग ऑफ दिस बाय, ये क्या कह करेंगे आप, हम इफ वी राउंड ऑफ बाय थाउजेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 3650 इज इन 3000 एंड 4000 बिटवीन, ये नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, ठीक है, 3000 एंड 4000। और यहाँ पे हम थाउजेंड्स है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का प्लेस देखेंगे, इट इज ग्रेटर देन 5 सो वी विल कंसिडर द नेक्स्ट थाउजेंड दैट इज 4000। एंड इन दिस सेकेंड नंबर 320 इफ वी विल सी द 100 प्लेस, इट इज 3 लेस देन 5, राइट, 3 इज लेस देन 5 सो वी विल कंसिडर द नेक्स्ट द प्रीवियस थाउजेंड, देर इज नो नंबर ऑफ प्रीवियस थाउजेंड सो इट विल बी कंसिडर्ड एज 0 सो ओवर आंसर विल बी 4000 माइनस 0 दैट इज 4000 एंड दैट इज नॉट अ रीजनेबल नंबर। तो वॉट शुड वी डू हेयर, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू कंसिडर नॉट बाय थाउजेंड, वी हैव टू कंसिडर हेयर बाय 100। हमें यहाँ पे क्या करना है, 100 कंसिडर करके राउंडिंग ऑफ करना है। नाउ 3650 अब यहाँ पे हमें 100 में करना है, तो ये 650 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 है तो टेंस वाला प्लेस कंसिडर करेंगे, तो 650 है वो 3600 और 3700 के बीच वाला नंबर है। यहाँ पे हमने 5 देखा तो 5 है, इसलिए हमें क्या देखना है, 5 या उससे हमें लेस नंबर होगा तो हम प्रीवियस 100 में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है तो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट 100 देखेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3650। उसको राउंडिंग ऑफ बाय 100 करेंगे तो 3700 आ जाएगा। और दूसरा दिया है हमारा 320, इसमें भी हम देखेंगे टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस हमारा क्या है, टेंस प्लेस हमारा लेस देन 5 है तो हम क्या देखेंगे, इसमें प्रीवियस 100, ये 300 और 400 के बीच का नंबर है। यहाँ पे अगर हमें 100 पूछा है तो हमें क्या करना है, 300 और 400, अगर 1000 पूछा था तो हमने 3000 4000 नंबर देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रीवियस 100 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3700 माइनस ये वाला नंबर 300 सो ओवर आंसर विल बी 3400। ये हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन होगा जो एग्जैक्ट नंबर के पास वाला नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमने देखा सम और डिफरेंस। नाउ टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, राउंड ऑफ टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू द ग्रेटेस्ट प्लेस देन मल्टीप्लाई द राउंड ऑफ ईच राउंड ऑफ फैक्टर्स, राइट। अब हमने क्या उसमें देख लिया कि हमें जो नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग हमें राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे हमारा 50 दिया है तो इसमें 52 में हम कौन सा नंबर देखेंगे, 52 इज इन बिटवीन 50 एंड 60। वी विल सी हियर टेंस प्लेस, यहाँ पे हम 100 प्लेस में नहीं जाएंगे, हमें एग्जैक्ट नंबर के
पास वाला नंबर चाहिए होता है. सो वी विल कंसीडर द टेंस नंबर, राइट. सो इट इज, वी विल सी द यूनिट प्लेस, इट इज लेस देन 5, सो वी विल कंसीडर हियर 50, राइट. यहाँ पे ये हमारा यूनिट प्लेस है, वो क्या है हमारा, लेस देन 5 है. सो वी विल कंसीडर द प्रीवियस टेंस, सो इट विल बी 50. हियर 298, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टेंस प्लेस देखेंगे, राइट. टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5, राइट. टेंस प्लेस क्या है हमारा, 9, वो ग्रेटर देन 5 है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा नंबर लेंगे इसके नेक्स्ट वाला. 298 इज इन बिटवीन 200 एंड 300, सो वी विल कंसीडर 300 हियर. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 300. ओवर आंसर विल बी 5 3 15 1 2 एंड 3 3 0 एज इट इज. तो इस तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन में भी देखना है, जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है उसके ऊपर आपको कंसीडर करना है कि हमें कौन सा लेना है. यहाँ पे आपको नंबर देख के अंदाज लगा लेना है कि हमें कौन सा नंबर यहाँ पे पास वाला लेना है. यहाँ पे हम 52 है तो इसको हम 50 और 60 के बीच लेंगे, ना कि 100 और 200 के बीच में, ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, एस्टीमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. अब हमने एस्टीमेशन कैसे करना है वो देख लिया है, एस्टीमेशन में सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट देख लिया है, ठीक है. तो अब हम विल सी द एक्सरसाइज. ए 730 + 998. अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर को एस्टीमेशन करना है और एस्टीमेट करके राउंडिंग ऑफ करना है. सो एस्टीमेशन ऑफ 730, ये नंबर हमारा कौन से दो नंबर्स के बीच होगा, हमें यहाँ पे 100 में करना है तो क्या करेंगे, 100 एस्टीमेट टू द 100, राइट. तो हम क्या देखेंगे, टेंस का प्लेस देखेंगे. टेंस प्लेस हमारा 3 है एंड 10 प्लेस इज लेस देन 5 एंड 730 इज इन बिटवीन 700 एंड 800, राइट. सो वी विल कंसीडर प्रीवियस 100, राइट. तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 700 ले लेंगे. नेक्स्ट नंबर इज 998. अगेन वी विल सी द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5 एंड 998 इज इन बिटवीन 900 एंड 1000, राइट. ये हमारा 900 और 1000 के बीच वाला नंबर है एंड टेंस प्लेस इज 9 एंड विच इज, इट इज ग्रेटर देन 5, सो वी विल कंसीडर द नेक्स्ट 100, दैट इज 1000. सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 730 की जगह हम ये क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 700 और प्लस 998 की जगह हम क्या ले लेंगे, 1000. तो ओवर आंसर विल बी 1700. नाउ एक बार हम इसे चेक करते हैं, रीचेक कर लेते हैं. अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 998 प्लस 730 करते हैं, 8 993 12 9 + 1 10 एंड 7 17. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसके एस्टिमेशन किया है वो हमने इसके थोड़ा नज़दीक, मतलब एग्जैक्ट आंसर के नज़दीक वाला आंसर है. सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट. 796 and 314. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वी विल राउंड ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट. किस में करेंगे, यहाँ पे भी हम 100 में करेंगे, राइट. 100, राइट. 796, सी द टेंथ प्लेस, इट इज ग्रेटर देन 5, सो 700 एंड कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, 800. 700 और 800 के बीच ही हमारा 796 है और हमारा यहाँ पे 5 से ग्रेटर नंबर है, सो वी विल कंसीडर द नेक्स्ट 100, दैट इज 800. यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 796 को 100 प्लेस तक हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो नंबर आंसर हमारा 800 आएगा. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 314. इट इज इन बिटवीन 300 एंड 400. यू कैन सी दैट इन टेंस प्लेस 1 इज लेस देन 5, सो वी विल कंसीडर द प्रीवियस 100. यहाँ पे हम कौन सा 100 कंसीडर करेंगे, दैट इज 300, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू 800 माइनस 300 एंड आवर आंसर विल बी 500. सो इट विल बी
एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेट ऑफ 796 माइनस 340, उसका अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा ये हो सकता है।